भारत में अब हर दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए केस दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में 1.25 लाख से ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इस बीच अलग अलग राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। लोगों में अब पूर्ण लॉकडाउन का डर भी बैठने लगा है। हालांकि सरकार ने अभी ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है, इस पर योग गुरु रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को गैर जरूरी बताते हुए लोगों को आने वाले समय में अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने की सलाह दे दी है। रामदेव से पूछा गया सवाल, क्या आपको लगता है कि देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और लॉकडाउन इलाज हो सकता है? इस पर रामदेव ने कहा कि लॉकडाउन से किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा हित साधने वाला नहीं है। हाँ, लोग ये जरूर सावधानी बरते कि जब भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, कभी अनजान वस्तु को छुएं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यों को करें। रामदेव ने आगे बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है, तो अपनी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए योग और आयुर्वेदिक की डबल डोज लें। उन्होंने कहा कि एक और खास बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद 100 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूं जिन्हें डबल डोज लेने के बाद फिर से कोरोना हो गया। न लें तो भी कोरोना हो रहा है, और कोरोना पहले जिन्हें हो गया था 6 महीने बाद उनकी एडाप्टिव इम्यूनिटी खत्म हो गई। वैक्सीन लगवाने के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी, तो आखिर इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इसका हल बताते हुए रामदेव ने कहा कि मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन लगवाएं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर अपनाइए, खान पान पे ध्यान दीजिए।